हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग कैसे होने वाली है, सब कुछ यही जान लोगे क्या, कुछ आगे के लिए भी रहने दो। तो वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो मिलते हैं बाइक पर। तो निकलते हैं हम लोग अपनी गली से फाइनली और बताते हैं आपको कि आज क्या इंटरेस्टिंग है। थोड़ी सी सफ़र कर लीजिए, वीडियो पे बने रहिए, सब कुछ अभी बता देंगे तो फिर एक्साइटमेंट क्या रहेगी आपकी। तो फाइनली आपको बताते हैं आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम, वो भी नया वाला। तो फर्स्ट टाइम तो हम जा ही रहे हैं, इसीलिए मेरे लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और शायद आपके लिए भी इंटरेस्टिंग होगी। आज वैसे ना म्यूज़ियम का प्लान नहीं था, आज था एनआईटी घाट का। तो वहाँ कुछ ऐसा कि एनआईटी घाट थोड़ा ज़्यादा दूर है और म्यूज़ियम तो बगल में ही है, तो उधर से हम लोग जाते हैं। इसीलिए सोचे पहले म्यूज़ियम ही घूम लेते हैं और दूसरे दिन जाएंगे एनआईटी घाट। तो हम लोग सगुना मोड़ आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो आगे। तो इधर से हम राइट ले लेंगे। तो हम लोग फाइनली बैली रोड में एंटर कर चुके हैं। यहाँ से निकलते हैं, रोड काफ़ी जगह है तो पूरा स्पीड में ही निकलेंगे यहाँ पे। यार वो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं पटना में मोटर ब्लॉक करते हुए, तो कहीं पुलिस रोक नहीं थे या कुछ बोल नहीं थे, इसीलिए थोड़ी सी अंदर से नर्वस फील हो रही है। भगवान करे नहीं हो, नहीं तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी लो हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग गोला रोड पहुँच चुके हैं। वो स्टूडेंट लोग कुछ देख रहे थे मेरे को, क्योंकि उनको तो पता ही है हम क्या कर रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ मेरे को कमी महसूस हुई, काश मेरे बाइक में मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ होता तो खैर कोई नहीं, वो भी बहुत जल्द हो जाएगी। वाह, यहाँ से नज़ारा काफ़ी सही लग रहा है और इस ओवर ब्रिज से ना बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको वो भी एक दिन दिखाऊंगा। मतलब हर चीज़ होने वाली है, क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पा रही है। जब आया था घर से तो मेरी कॉलेज भी खुली थी, इसीलिए मैं थोड़ा वीडियो ठीक से नहीं बना पा रहा था, क्योंकि बहुत दिन से क्लास नहीं मैं किया था और ऑनलाइन भी क्लास हो रही थी, तो मैं ज्वाइन एक दिन भी नहीं किया वीडियो बनाने के चक्कर में। तो अभी तो फिलहाल में वो एडमिशन का पीरियड चल रहा है, इसीलिए काफ़ी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, इसीलिए टीचर लोग भी बहुत बिजी रह रहे हैं, इसीलिए अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है कॉलेज में। तो फिलहाल के लिए क्लास अभी ऑफ है। बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मतलब अभी फिलहाल में जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ फर्स्ट टाइम ही है मेरा, इसीलिए थोड़ी सी ज़्यादा एक्साइटमेंट है मेरे को, क्योंकि मुझे भी तो बहुत अच्छी अच्छी जगह देखने को मिलेगी और आपको भी तो बहुत अच्छी मिलेगी। इसीलिए बोलता हूँ मैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो आप, तभी तो यार ये अच्छी से पहले मिस कर लोगे आप तो फिर मज़ा कैसे आएगी। तो फाइनली जू पहुंचने वाले हैं, देख सकते हैं आप लोग। यार ये नई वाली ब्रिज जो है ना, मतलब घुमा के आपको वहीं ला देगी, तो नई थी तो इसीलिए मेरा मन किया थोड़ी सी इस पर भी चढ़ लें। खैर कोई नहीं, आगे से टर्निंग ले लेंगे। यहाँ से हम लोग टर्निंग ले लेते हैं फाइनली। आप लोग देख सकते हो म्यूज़ियम यही है। प्रशासन यार बहुत टाइट है यहाँ पे, मेरे को डर भी काफ़ी लग रहा है यार। फाइनली यहाँ पे बाइक पार्क कर देते हैं और देखते हैं कि क्या क्या यहाँ का पहले टर्म एंड कंडीशन है, टिकट वगैरह का पहले वो कर लेते हैं जाके। गाड़ी का नंबर 9822। तो फाइनली हम लोग का बाइक भी पार्क हो चुका है और इधर हम लोग जाएंगे, आप लोग देख सकते हो आगे। यहाँ का लोकेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, जगह आप लोग देख सकते हो, मतलब बहुत अच्छी लग रही है देखने में। और यहाँ पे ये झरने वगैरह, मन कर रहा है इसमें बैठ के नहा ले हम लोग। वाह यार, घर का याद आ गया, देख सकते हो वहाँ पे बांस का गाछ बने हो गया कि हम लोग पुल की तरफ गए हैं। यहाँ पे घर किया वही है, पानी वगैरह है और लग रहा है कि ये देख के तो पर्सनली वही लग रहा है हम लोग खेत की तरफ आए हुए हैं। यहाँ पे बांस का पेड़ जो है, यार प्रीमियम वाली फीलिंग आ रही है अंदर में, बहुत अच्छी जगह है वहाँ पे। यार बाइक पार्क किए तो वो बोले क्या सिक्योरिटी गार्ड, तो वहाँ पे वीडियो नहीं बनाने देंगे अंदर, जाके देखते हैं वीडियो बनाने देंगे या नहीं, भगवान करे बनाने दे, नहीं तो सपना सारा टूट के चूर चूर हो जाएगा। यार देख सकते हो वहाँ पे तार का गाछ, मतलब सेम मेरे घर वाली फीलिंग आ रही है, गाँव वाली, क्योंकि यहाँ पे आप लोग तार का गाछ भी देख सकते हो, खजूर का गाछ देख सकते हो और इधर आप लोग खजूर का गाछ भी देख सकते हो। मतलब यार मतलब क्या बताऊँ मैं यार, गांव की फीलिंग आ रही है यार। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे काउंटर है तो पहले हम लोग वहाँ जाके टिकट वगैरह ले लेते हैं। तो हम यहाँ से ले लेते हैं टिकट और एक आदमी का 100 रुपये टिकट लगता है, तो मैं आपको लेके दिखाता हूँ आगे। लोग देख सकते हो इधर, मतलब शुरुआती का यही है, तो इधर से नहीं नर्वस थोड़ी थोड़ी फील हो रही है, क्योंकि वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड वगैरह बोले क्या वीडियो नहीं बनाना है, तो इसीलिए थोड़ी सी अच्छे से नहीं दिखा पाएंगे आप लोग को, थोड़ी थोड़ी चोरी छुपके तो वीडियो बना ही लेंगे, देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं अब इधर इधर से और दिखाते हैं आपको क्या क्या है अंदर में। और यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट वगैरह आप लोग देख सकते हो। तो चलते हैं हम लोग उधर, और यहाँ तो हम लोग घूम ही लिए,
यहाँ पे पेंटिंग कितनी सारी है, वाह यार आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर भी कुछ पेंटिंग बनी हुई आप लोग देख सकते हो। इसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, और जहाँ हम लोग इधर उधर भी सेम वैसा ही प्रोसेस अप्लाई करते हैं। आप लोग देख सकते हैं यार बहुत अच्छा लग रहा है, ये डिजिटली काम भी कर रहा है टच स्क्रीन से। ओ यहाँ पे भी है देख सकते हो, यहाँ पे मतलब फुल स्क्रीन में वैसा कनेक्ट है इसमें। यार आदित पता नहीं इसमें वीडियो खोज रहा है तो उसको मिल नहीं पा रहा है वीडियो, काफ़ी बड़ा टच स्क्रीन है भाई साहब। आप लोग देख सकते हो वहाँ पे हरियाणा डक्षी, तो वहाँ से मतलब बहुत छोटा छोटा दिख रहा था और यहाँ से काफ़ी सही दिख रहा है। ये तो एक ऐसा इको पार्क में भी है, पर इसमें हाँ इको पार्क में भी है तो सही लग रहा है देखने में। वो देख रहे हैं लंच बॉक्स भी है, मतलब बर्तन का हर एक सामान यहाँ पे, अगर आप लोग खाना बनाते हो तो ये सारे मिलने वाले हैं आपको यहाँ से। काफ़ी सही लग रहा है देखने में, देख सकते हो आप लोग। और इधर देख ही लिए आप लोग इधर बर्तन वगैरह, तो हम लोग चलते हैं अब इधर एक बार। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी सही लग रहा है इधर से, यहाँ पे कोई नहीं है तो अच्छे से यहाँ पे वीडियो बना पा रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सही लग रहा है। थोड़े से बैठे हैं क्योंकि हम ठीक से चल नहीं पाते हैं ज़्यादा देर खड़े रहने के बाद, इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी आराम कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग चलेंगे ऊपर। इधर से आप लोग देख सकते हो मतलब ऊपर में बहुत अच्छी जगह है, तो आपको ऊपर भी लेके जाएंगे, पहले यहाँ पे बैठ लेते हैं, मेरी कमर काफ़ी दर्द कर रही है। फाइनली हम लोग लिफ्ट में एंटर कर चुके हैं और हम लोग ऊपर जा रहे हैं। यार फर्स्ट टाइम है तो लग रहा है जैसे आसमान में उड़ते जा रहे हैं। तो वाह यहाँ से आप लोग देख सकते हो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने में। यहाँ पर थोड़ी सी बना लेंगे वीडियो क्योंकि यहाँ पर घाट वगैरह नहीं है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग देख सकते हो। और उधर जाएँगे हम लोग, उधर आपको दिखाते हैं। पुराना वाला फोटो है ना वो, तो फाइनली हम लोग इधर से भी निकल चुके हैं और अभी तो बहुत जगह है घूमने के लिए और हम लोग के पास अभी 50 मिनट बचा हुआ है, तो हम लोग उस 50 मिनट का पूरा फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि वो मतलब 5 बजे तक ही ओपन रहता है। तो वो जहाँ पे सामान हम लोगों ने दिया तो वो बोले क्या 4:50 में आके ले लीजिएगा, तो इधर से देखते एक बार जाके। उधर से तो निकल चुके हैं और काफ़ी चोरी चोरी से वीडियो बना रहे, बन जा रहा है ओ भाई साहब। और इधर से आप लोग देखिए एक बार, काफ़ी मस्त लग रहा है इधर से, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ अच्छे से। तो हम लोग घूम ही चुके हैं पूरा, चोरी चोरी से तो वीडियो बना ही ले रहे हैं। और यहाँ से आप लोग, मैं फर्स्ट फ्लोर पर हम लोग हैं तो यहाँ से एक बार आप लोग देखिए नज़ारा काफ़ी मस्त लग रहा है। यहाँ से दिखाइए वो देखिए, वहाँ पे जो स्टैचू वगैरह है ना वहाँ पे, मतलब जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम का है वो स्टैचू वगैरह, मतलब यहाँ पूरा पुराना पुराना सब सामान है ताकि आप लोग फील हुए कि नहीं ये पूर्वजों का है सब कुछ। और मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पे है वो बनाया हुआ, आप लोग देख ही सकते हो, इधर दिखा दीजिए एक बार, बहुत अच्छा है। तो हम लोग चोरी चोरी तो वीडियो बना ले रहे हैं पर पता नहीं यार मिक्सिंग कैसे होगी, मतलब वैसे भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है, बहुत ज़्यादा, और एक्साइटमेंट तो काफ़ी ज़्यादा। अगर आप लोग आते हो ना यार सच में बहुत मज़ा आएगी, ये कपल के लिए नहीं है तो इसमें आप लोग फैमिली के साथ आना, अगर आओगे तो खैर कोई नहीं अंदर में रेस्टोरेंट वगैरह आप लोग चल जाएगा, तो मतलब बहुत अच्छी है। तो आपको और दिखाते हैं आगे कहाँ क्या कुछ है, तो वीडियो पे बने रहिए।
कटा हुआ है, पूरा रात हो गया है। और देखते हैं जाके इधर, लोग एक बार यहाँ पे देख लो, ये स्टैचू है यहाँ पे टूटी हुई। हम लोग के पास टाइम बहुत कम है और अभी जगह बहुत सारी है आपको दिखाने के लिए। हाँ सर, काफ़ी सही लग रहा है, थोड़ी थोड़ी सी धीरे धीरे बोल रहे हैं हम लोग, नहीं सुन लेंगे तो वो बोलेंगे वीडियो मत बनाइए। और आप लोग देख सकते हैं इधर से बहुत अच्छा लग रहा है, तो चलते हैं उधर से अब और दिखाते हैं आपको आगे। तो देखते हैं आगे जाके क्या क्या है घूमने वाला और आपको दिखाते हैं। टाइम बहुत कम है, बहुत कम, मतलब मुश्किल से आधे घंटे हम लोग के पास है। हाँ तो यार बहुत एंटीक एंटीक पीसे वगैरह मिल रही है, आप लोग देख सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी, वाह मतलब बहुत डिज़ाइन किए हुए यहाँ पे, मतलब पर्सनली हाथों से डिज़ाइन किए हुए हैं लोग, मतलब बहुत अच्छी लग रही है देखने में, पुराने ज़माने के जैसे हम लोग। और इधर तो वाह काफ़ी मस्त लग रहा है यार, यहाँ पे फोटो शूट करवाने में अलग ही मज़ा आएगा। यहाँ पे काफ़ी मस्त जगह है यहाँ, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब बहुत अच्छी है यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचाने के लिए, तो बहुत ही अच्छा है, लोग देख सकते हो इधर, वाओ। और जैसे लग रहा है कि हम लोग स्टूडियो में कहीं, मतलब कोई स्टूडियो में आ चुके हैं, मतलब बहुत अच्छा है, लोग देख सकते हो इधर। यहाँ पे कुछ कॉइन्स की पिक्चर्स है यहाँ पे, देख सकते हो इस स्क्रीन में दिख रही है, वाओ PNG बना हुआ है यहाँ पे, 1 रुपए की, ये तो न्यू वाले सिक्के हैं यार, ये सब तो देखा ही मैंने, 1 रुपीज़ इंडिया, ये पुराने वाले सिक्के हैं यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हो, मतलब बैठने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे फ़ोटो शूट भी बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी आएगी यहाँ पे फ़ोटो। अरे देखो फ़ोटो खींचे मेरा हो, यहाँ पे एक हम फ़ोटो खिंचवाएंगे क्योंकि बहुत अच्छी है यहाँ पे जगह। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पेंटिंग्स बनी हुई है मंजूषा का। फाइनली हम लोग का टाइम ओवर हो चुका है, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, हम लोग आए ही थे लेट से। तो फाइनली हम लोग पूरा घूम चुके हैं, पूरा का यार मतलब थोड़ा थोड़ा ही घूमे यार, हम लोग का और भी मन था घूमने, क्योंकि बहुत एंटीक एंटीक सब चीज़ें यहाँ पे है, मतलब आप लोग ज़रूर ही आओ, अगर पटना से आप लोग फिलहाल में भी पटना में हो तो ज़रूर ही आओ आप लोग, मतलब बहुत अच्छा है। और एक बार उधर से हम लोग जाके देखते हैं, क्योंकि बाहर से देखते इधर का ही हम लोग पहले देखते हैं, तो काफ़ी सही लगता है देखने में, तो एक बार वहाँ भी जाके देख लेते हैं क्या क्या है, और मतलब बहुत अच्छी जगह है, आप लोग यार ज़रूर ही आओ एक बार, क्या बताऊँ मैं यार, अंदर में वीडियो भी अच्छे से नहीं बनाने दिए वो लोग, अगर बनाने देते तो बहुत ही अच्छा होता। तो यार उधर तो नहीं जाने दिए, पता नहीं, बोले अलाउ नहीं है। तो हम लोग पूरा घूम ही चुके हैं और चलते हम लोग, टाइम भी तो कितना हो गया, टाइम हो 5:15 हो गया है, और म्यूज़ियम क्लोज़ होने का भी तो टाइम हो गया था, धीरे धीरे अब क्लोज़ हो गया या हो गया होगा, हम लोग तो बाहर निकल चुके हैं इधर। तो हम लोग इधर घर वाली फीलिंग आ रही है, मतलब चिड़ियाँ वगैरह सब बोल रही है ऊपर पे, आप लोग देख सकते हो, मतलब बहुत ही अच्छा लोकेशन है यहाँ पर, अगर धूप होती तो यहाँ पर फोटो शूट भी अच्छी होती, यहाँ तो वैसे भी टाइम तो ठीक ही है, पर हम लोग के पास DSLR नहीं, अगर होती तो बहुत अच्छा होता। खैर कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, आज फ़ोन है तो कल DSLR होगी, कल DSLR है तो परसों बहुत बड़ा कैमरा होगा, यार कोई नहीं। फाइनली हम लोग का बेड़ा गर्क हो चुका है, तो निकलते हम लोग इधर से, वहाँ पे बाइक पार्क किए थे हम लोग, और मेरी पल्सर तो यार सच में बहुत अकेली है, तो यार मैं उसको अकेला नहीं देख सकता, क्योंकि जान है ना यार, समझ सकते हो आप लोग। तो निकलते हम लोग, फाइनली जाते हैं बाइक पे, तो फिर से आपसे थोड़ी थोड़ी बातें बाइक पे कर लेते हैं जाके वहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन कौन सी जगह आप लोग देखना चाहते हो, मैं हर जगह आपको लेके जाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।